फाइंड द एलसीएम ऑफ 1, 5 एंड 9। हमारा मेथड रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी सर्वप्रथम गिवन नंबर के हमें फैक्टर कर देने हैं, और एक मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, हमें अपने प्राइम नंबर पता होना चाहिए। दो, तीन, पाँच, सात, ये आपके प्राइम नंबर है। सर्वप्रथम देखिए, हम यहाँ पर देखें तो दो से कौन से नंबर डिविजिबल रहते हैं जिनका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, वे नंबर आपके दो से डिविजिबल रहते हैं। यहाँ पर हमने देखा तो इनमें से कोई भी नंबर यहाँ इसका इकाई अंक पर नहीं है, यानी दो से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हम आगे किसके पास जाएंगे, तीन के पास। तो इसमें तीन का डिवाइड किया 15 में, कितना 5 बार हो गया। 5 में 5 का डिवाइड किया एक बार, देखिए 5 आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को खुद से ही डिवाइड करना है। 9 में 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबल है, यानी 3 से डिविजिबल है, कितनी बार, 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड किया एक मिल गया। तो 15 के फैक्टर क्या आ गए, 3 × 5, 9 के फैक्टर क्या आ गए, 3 × 3। हमें क्या चाहिए अपना एलसीएम, बिल्कुल सिंपल है। पहले हमें दोनों का कॉमन फैक्टर लेना है, ध्यान रखें कॉमन फैक्टर एक बार ही लेना, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद बचे हुए फैक्टर अब इनका गुणा कर दें, यही आपका एलसीएम है। एलसीएम ऑफ 1, 2, 20 एंड 24 कैसे फाइंड करें, अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना डिवीजन मेथड काम में लेंगे, 12, 20, 24 इनको एक साथ लिख देना और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। सर्वप्रथम अपन 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 का डिवाइड किया 12 में, कितना, यहाँ साइड में चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 6 जो आ रहा है वो नीचे लिख रहा हूँ। सिमिलरली 20 में 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 10, वो हमें यहाँ नीचे लिखना है। 24 में 2 का डिवाइड किया, हमें कितना मिल गया, 12, वो यहाँ लिखना है। अब डिवाइड करने के वीडियो भी हमारे आ चुके हैं, उन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर 2 का डिवाइड किया 6 में, 3 बार, 10 में, 5 बार, 12 में, 6 बार, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है आपका 6 में, 3 बार, और 5 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इनमें से कोई भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं, जो डिविजिबल नहीं है ना, जैसे 3 डिविजिबल नहीं था तो हमने आगे लिख दिया, 5 नहीं था तो आगे लिख दिया, ये ध्यान रखें। अब हम 3 का डिवाइड चेक करें, तो 3 से डिविजिबल एक बार, 3 से डिविजिबल एक बार, 5 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 5 में 5 का डिवाइड करें, 1, 1, 1 आ गया, ठीक है, पूरा हो गया। अब हमारा एलसीएम बात कर लेते हैं, यह जो फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। फैक्टर में क्या है, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, 3 आपका एक बार, 5 भी आपका एक बार, गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 120 आ गया। हेलो, नमस्कार, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 विथ ईजी मेथड। यहाँ पर हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे, यानी गिवन नंबर के हम प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए, अपने प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के ये आपके प्राइम नंबर है, और आगे 11, 13, 17, 19। सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो इसमें 336 में जब हम 2 का भाग देते हैं कितना मिल जाता है, 1, और उसके बाद 6 और 8, 168 मिल गया। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया कितना मिल गया, 8, 4। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया कितना मिल गया, 4, 2। फिर इसमें 2 का डिवाइड किया कितना मिल गया,
दो एक, फिर इसमें तीन का डिवाइड हो रहा है सात बार, सात में सात का डिवाइड आपका एक बार, इसमें दो का डिवाइड किया कितना दो बार और सात बार। अब इसमें देखिए ये आपका दो से डिविजिबल नहीं, किससे है तीन से, ऐसे सीक्वेंस आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इक्कीस दो से डिविजिबल नहीं था तो हम आगे तीन के पास चले गए, ठीक इसी तरीके से यहीं यहाँ पर भी वही सेम तरीका अपनाना है कि जब डिविजिबल ना हो तो हम आगे चेक करेंगे, आगे की संख्या का डिवाइड करके चेक करेंगे, आगे के प्राइम नंबर का डिवाइड करके चेक करेंगे। सत्ताईस में तीन का डिवाइड नौ बार, नौ में तीन का डिवाइड तीन बार, तीन में तीन का डिवाइड आपका एक बार, ठीक है। यानी 336 के हमारे पास फैक्टर के आगे वो यहाँ लिख देता हूँ, दो कितनी बार आ रहा है एक दो तीन चार, और तीन एक बार सात एक बार, चौपन में देख लो दो एक बार, तीन आपका तीन बार। हमें क्या चाहिए एच सी एफ एंड एल सी एम, पहले हम एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ का फुल फॉर्म याद कीजिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी कॉमन फैक्टर लेना है। जैसे दो दो, उसके बाद तीन तीन, इतना ही है बाकी तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कितना आ गया गुणा करने पर सिक्स। एल सी एम, एल सी एम में ऐसे याद रखिए सभी फैक्टर शामिल करने हैं, मेरे साथ बोलिए क्या करना है, सभी फैक्टर शामिल करने हैं, यानी जो कॉमन फैक्टर है पहले तो उनको लेंगे, ठीक है, उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर, यहाँ पे उसके बाद तीन गुना तीन बच गए। अब हम सबका गुणा कर देते हैं, तो देखिए दो गुणा तीन, और यहाँ तक का जो गुणा होगा वो कितना होगा 336, आगे क्या है नौ, तो 336 गुणा नौ, ऐसे करके गुणा कर सकते हैं, नौ संख चौपन, पाँच के लिए आगे 27 और पाँच कितना 32, तीन के लिए आगे और 27, तो ये आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताओ। एच सी एफ एंड एल सी एफ ऑफ 510 एंड 92 विद इजी मेथड, तो यहाँ पर हम अपना प्राइम फैक्टराइज मेथड काम में लेंगे। इस मेथड में करना क्या है, हमें इनके प्राइम फैक्टर कर देने हैं। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के लिए हमें अपना क्या चाहिए प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं यहाँ लिख देता हूँ, दो तीन पाँच सात, आगे ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस, ये आपके कुछ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम अपना दो का डिवाइड किया, इसमें कितनी बार हो रहा है दो बार पांच बार और पांच बार। अब देखें तो इसमें आपका दो का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम आगे जाएंगे तीन का डिवाइड चेक किया, तीन का डिवाइड हो रहा है कितना आठ बार और पांच बार। अब इसमें तीन का डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन इसमें पांच का डिवाइड हो रहा है, कितनी बार एक बार और सात बार। सत्रह आपका प्राइम नंबर है, सत्रह में सत्रह का डिवाइड एक बार, इसमें दो का डिवाइड हो रहा है कितना चार बार और छह बार, ठीक है। फिर इसमें दो का डिवाइड हो रहा है कितना दो बार और तीन बार। आगे आप देखें तो प्राइम नंबर कौन से हैं तेईस और उनतीस, तो तेईस में तेईस का डिवाइड हो गया आपका एक बार। यानी 510 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, दो गुणा तीन गुणा पाँच गुणा सत्रह,
92 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 23। ठीक है, हमें क्या चाहिए अपना HCF एंड LCM चाहिए। तो देखिए HCF का फुल फॉर्म याद कीजिए, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF में आपको केवल और केवल इन दोनों के कॉमन फैक्टर लेना, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी, उसके बाद है 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, केवल यही एक ही फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर, यानी HCF कितना आ गया 2। LCM में देखिए, याद रखिए सभी फैक्टर शामिल करने हैं, तो सभी फैक्टर शामिल करने का ऐसा तरीका रहेगा कि पहले कॉमन फैक्टर लेना, उसके बाद पीछे बचा हुआ फैक्टर। अब गुणा करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए 2 × 3 × 5 × 17 यहाँ तक वापस कितना बन जाएगा, 510 बन जाएगा, ये कितना बन गया 46, 510 × 46 कर दो, आपका कितना आ जाएगा बराबर में 23,460 आ गया, ये आपका क्या है LCM है। HCF फाइंड करना सीख रहे हैं, HCF 135 एंड 225। HCF के लिए यहाँ पर हम अपना प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड काम में ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड में हमें क्या करना है, गिवन नंबर के फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, अपने प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर देखिए 1 से लेकर 10 तक 2, 3, 5, 7 आगे 11, 13, 17, 19। अब हम नियम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो इसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वे नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहते हैं, तो इसका इकाई अंक देख लो क्या है, इनमें से नहीं है मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए सभी संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 3 + 5 कितना आ रहा है 9, 9 3 से डिविजिबल है मतलब ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, तो इसमें हमने 135 में 3 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 45 मिल गया, फिर इसमें 3 का डिवाइड किया कितनी बार, 1 बार और 5 बार, फिर इसमें 3 का डिवाइड किया 5 बार, 5 में 5 का डिवाइड किया हमें 1 मिल गया। 5 देखिए प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हमेशा खुद से ही डिवाइड करना होता है, अब इसमें भी 3 का डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 7 बार और 5 बार, फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 2 बार और 5 बार, 25 में 5 का डिवाइड हो रहा है 5 बार, 5 में 5 का डिवाइड हो रहा है आपका 1 बार। हमें क्या चाहिए HCF, करना क्या बिल्कुल सिंपल है, दोनों के कॉमन फैक्टर को लेना है, देखिए ये 135 के फैक्टर है और ये आपके 225 के फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5, इनका हमने गुणा कर दिया कितना आ गया 45, यही आपका HCF है। HCF फाइंड करना सीख रहे हैं, HCF ऑफ 196 एंड 38220 कैसे फाइंड करें, यहाँ पर जब भी दोस्तों आपको बड़ा नंबर दिखाई दे तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, डिवीजन। डिवीजन मेथड में क्या करना है, छोटे नंबर का बड़े नंबर में हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर चलिए डिवाइड करते हैं इसमें 38,220 में किसका डिवाइड करेंगे 196 का,
तो दोस्तों यदि ये तीन अंकों की संख्या है तो हम यहाँ तीन अंकों को लेंगे, ये आप जानते हैं। तो आपका डिवाइड यहाँ कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, कितना आ गया 196। फिर हमने माइनस किया, अब क्या करना है होता है, अगला एक अंक यहाँ ले आते हैं। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। 196 मल्टीप्लाई 9, 9 संख 54, 5 के लिए आ गया 81, 5 86, 8 के लिए आ गया 9, 8 17, कितनी बार 9 बार, कितना 1764, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। और अगला एक अंक हम यहाँ ले आएंगे। अब 196 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 3 के लिए आ गया 48, 4 के लिए आ गया 980 आ रहा है, कितनी बार 5 बार चला गया, कितना आ रहा है 980 आ रहा है। माइनस किया, 0 आ गया। देखिए हमने किस संख्या से डिवाइड किया और हमें 0 मिल गया, हमने इससे डिवाइड किया 196 से। जिस संख्या से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा हो, 0 मिल रहा हो, वही हमारा क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है, बराबर 196 ही है। एचसीएफ फाइंड करना सीख रहे हैं। 24 एंड 36, इनके सर्वप्रथम हम अपने फैक्टर करेंगे। यहां पर हम अपना कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड। तो प्राइम फैक्टराइज्ड मेथड में हमें फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने के लिए हमें अपने प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ये आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है। सर्वप्रथम अपन 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 24 में 2 का डिवाइड किया 12 बार, 12 में 2 का डिवाइड किया 6 बार, 6 में 2 का डिवाइड किया 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड किया 1 बार। 24 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 आपका 3 बार और 3 आपका 1 बार। 36 के फैक्टर कर देते हैं, 2 का डिवाइड हो रहा है कितना 18 बार, 18 में 2 का डिवाइड हो रहा है 9 बार, 9 आप देख सकते हैं 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे 3 के पास जाएंगे। ऐसे सीक्वेंस आगे बढ़ते रहना, 3 का डिवाइड किया 9 में कितनी बार 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड किया 1 बार। देखिए अलग से आप डिवाइड करके भी ऐसे देख सकते हैं। 24 में 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है, 12 मिलता है। तो हमने यहाँ पर 12 लिखा है, या ऐसे समझ लो कि हमने 2 का डिवाइड किया 24 में कितनी बार गया 12 बार। फिर आगे ऐसे ये जो चलता रहता है। अब 36 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 आपका 2 और 3 भी आपका 2 बार है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म याद कीजिए, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों जगह, यानी ऐसे समझ लो, ये याद रखने की ट्रिक है, दोनों का कॉमन फैक्टर लेना है, वही आपका क्या बनता है, एचसीएफ। अभी हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 16 और 24 का, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर हम सर्वप्रथम इनके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के लिए आपको याद होगा हमें अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5 और 7, ये आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं। सर्वप्रथम हम इसमें अपना 2 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार हो गया 8 बार, जितनी बार डिवाइड होगा वो इसके नीचे लिखना। फिर इसमें हमने 2 का डिवाइड किया 8 में, कितना 4 मिल गया, 4 में हमने 2 का डिवाइड किया, कितना हमें 2 मिल गया, 2 में 2 का डिवाइड किया दोस्तों हमें 1 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने फैक्टर करने, ये हमारे जो यहाँ आए हैं ना, ये क्या है, फैक्टर। सिमिलरली 24 के फैक्टर कर देते हैं, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना 12 बार, 12 में 2 का डिवाइड 6 बार, 6 में 2 का डिवाइड 3 बार,
तीन यहाँ पर देखिए आपका एक प्राइम नंबर है, तो तीन में तीन का डिवाइड आपका एक बार, तो 16 के फैक्टर यहाँ लिख देते हैं। दो कितनी बार आ रहा है? चार बार। और 24 के हम फैक्टर लिख देते हैं, दो कितनी बार है? तीन बार, और तीन आपका एक बार। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन फैक्टर लेना दोनों का, ऐसे समझो। बस इतना ही है, इनका गुणा किया कितना आ गया? आठ आ गया, यानी एचसीएफ कितना बन गया? आठ बन गया। हेलो नमस्कार, अभी स्टूडियो में हम एचसीएफ फाइंड करना सीख रहे हैं। तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 27 एंड 63 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सर्वप्रथम इन दोनों के फैक्टर कर देते हैं। तो 27 के फैक्टर 63 के फैक्टर, फैक्टर करने के लिए हमें अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहेगा, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर कौन से हैं? दो, तीन, पाँच, सात, ये आपको याद रखते हैं। अब देखिए हम देखें तो दो से कौन सी संख्या डिविजिबल रहती हैं? वे नंबर जिनका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे आपकी दो से विभाज्य रहती है। तो इसका इकाई अंक देखो कितना है? सात, यानी ये आपका दो से विभाज्य नहीं है। तीन का इसमें हमने चेक किया तो ये तीन से विभाज्य है, तो तीन का विभाज्य इसमें हमने डिवाइड किया तो कितना मिल गया? नौ। नौ में तीन का डिवाइड किया तीन, तीन में तीन का डिवाइड किया हमें एक मिल गया। सिमिलरली इसको भी देखें तो ये आपका तीन से डिविजिबल है कितना? दो बार, एक बार। 21 तीन से डिविजिबल है कितना? सात बार। सात आपका एक प्राइम नंबर है, तो सात से सात डिवाइड हुआ एक बार। हमें क्या चाहिए अपना? देखिए 27 के फैक्टर क्या आ गए? तीन गुणा तीन गुणा तीन। और 63 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? तीन गुणा तीन गुणा सात। हमें चाहिए अपना एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ का फुल फॉर्म याद करो क्या होता है, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों में हो। केवल दो फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में, इनका गुणा किया कितना आ गया? नौ। तो यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया? नौ। हेलो नमस्कार, अभी इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे 26 एंड 91 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम दोस्तों हम इन दोनों के फैक्टर कर देंगे, यानी हम यहाँ पर अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में ले रहे हैं। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर आपको पता है एक से लेकर दस तक कौन से होते हैं? दो, तीन, पाँच, सात। आगे आपके 11, 13, 17, 19। अब हम इसके फैक्टर करें तो इसमें दो का डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 13 बार। देखिए ऐसे समझिए, हमने 26 में दो का डिवाइड किया कितनी बार आ गया? 13 बार। उसके बाद आगे देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में खुद का ही डिवाइड करना है। तो हमारे 26 के फैक्टर क्या आ गए? दो गुणा 13। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो यह दो से डिविजिबल नहीं है, तीन से नहीं है, पाँच से नहीं है, लेकिन सात से हैं। तो इसमें हमने सात का डिवाइड किया कितनी बार हो रहा है? एक बार और तीन बार। कितना? 13। 13 में 13 का डिवाइड किया कितना? एक। यानी 91 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? 7 × 13। अब हमें क्या चाहिए? अपना एचसीएफ और एलसीएम। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा। देखिए इसका फुल फॉर्म याद कीजिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो।
वो आपका क्या बनेगा, HCF बनेगा, LCM। LCM में देखिए, याद रखिए, ध्यान रखिए, हमें सारे फैक्टर शामिल करने हैं। या ऐसे समझिए जैसे हमने इसमें तो केवल कॉमन फैक्टर ही लिया और कोई फैक्टर नहीं लिया। LCM में क्या करना है, पहले देखना है जो कॉमन फैक्टर उसको लेंगे कौन है, 13। उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर कौन है, 2 है और 7 है। तो यहाँ कितना आ गया आपका, 182 आ गया, ठीक है।